नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, पीसी शर्मा पहुंचे सरोजनी नायडू स्कूल, जहां यात्रियों से लिया जा रहा है ट्रेन का किराया, जबकि सरकार दावा कर रही है कि वह प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचा रही है। लेकिन जब यात्री अपना नाम पता लिखवाने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि रेल का किराया 565 रुपये लिया जा रहा है। जब हमने यात्रा करने वाले व्यक्ति से बात की, तो उसने बताया कि उसे 21 तारीख को ही पता चल गया था कि मजदूर यात्रियों के लिए फ्री ट्रेन जाएगी बिहार और दरभंगा के लिए। जब वह रेल की बुकिंग कराने पहुंचा, तो पता चला कि ट्रेन फ्री नहीं जा रही है और आज ट्रेन कैंसिल हो गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें उनके घर तक जाने के लिए 565 रुपये का टिकट लेना पड़ रहा है। नंबर लेके हाय भेज दे, खबरें आपको सेंड कर रहा हूँ। मेरा नाम अंजू विश्वकर्मा है, मैं भीमनगर से आई हूँ। मुझे पता चला है यहाँ से बिहार जाने वाली ट्रेन के लिए कल जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पता चला पास लग रहे हैं। पास तो है मगर उसके लिए पैसे लग रहे हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दें। हम तो खुद ही भूखे मर रहे थे, सोचे जैसे तैसे निकल जाएगा बिहार। तो कितने पैसे मांग रहे हैं सर? अभी तो काउंटर पे पता चलेगा, मगर कुछ लोग जो लेके गए हैं पास 575 बता रहे हैं। जिसने दिया देखिए, पूरा मामला ये है कि कल हमें पता चला था। वैसे तो हमें 21 तारीख को ही पता चल चुका था कि 22 तारीख को ट्रेन फ्री जाएगी यहाँ से यात्रियों की बिहार के लिए, दरभंगा के लिए। भाई चेहरे पे मुस्कान आ गया, खुश हो गए हम लोग पूरे परिवार के साथ कि अब हम बिहार पहुँच जाएंगे। लेकिन हम 22 तारीख को जब वहाँ पहुँचे, तो पता ये चला कि ट्रेन यहाँ से फ्री में नहीं जा रही है और आज ट्रेन कैंसिल है, इसका टिकट वितरण होगा। वहाँ पे बताया गया एड्रेस के अनुसार मैं यहाँ पहुँचा तो ये देखा कि यहाँ 565 रुपये लेके यात्री बाहर तक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। पैसे जब हाथ में देखे तो पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? कहने लगे, सर 565 रुपये में टिकट वितरण हो रहा और कल 24 तारीख को ट्रेन जाएगी दरभंगा के लिए। अब चूँकि पैसा तो था नहीं, मैं तो फ्री सुन के आया था। उसके बाद मैं यहाँ से भगा गया घर पे जाके पैसे की व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाने के बाद जो है फिर मैं आज आया हूँ ये टिकट लेने के लिए। मैंने 4 टिकट ली, 2300 रुपये की टोटल टिकट है, 575 रुपये के एतबार से आज लिया गया है, कल 565 रुपये के एतबार से लिया गया। टिकट दिया गया क्या कि टोकन दिया गया? टोकन दिया गया, टिकट अभी नहीं दिया। कह रहे हैं कि इस टोकन पे टिकट आपको स्टेशन पे मिलेगा, कल आप 12 बजे हबीबगंज स्टेशन पे पहुंच जाइएगा, वहाँ टोकन पे टिकट मिलेगा आपको। ताज्जुब की बात है, बार बार चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, प्रधानमंत्री जी, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि बस हो या ट्रेन, सबको निःशुल्क भेजा जाएगा जो जाना चाहे। लेकिन यहाँ 575 लगभग 600 रुपये दिए जा रहे हैं। कई महिलाओं से, युवाओं से बात भी बोले, वहाँ पर इतने पैसे नहीं है। लॉकडाउन है 2 महीने से, किसी की कोई कमाई है नहीं। जो राहुल जी कह रहे हैं कि बार बार इनके अकाउंट में पैसे डाले जाए, वो डाले नहीं, कि कहाँ से जाएंगे? आज लोग भूखे मर रहे हैं, राशन बराबर मिल नहीं रहा है, ऊपर से जाना है आपको, तो आप टिकट लीजिए। और टिकट भी नहीं दे रहे, कोई कूपन दे रहे हैं पैसे लेके। ये जाती है, ये मजदूर गरीब आदमी जो फंसा हुआ है अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं, इनको निःशुल्क भेजें, और जो पैसा ले लिया है वापस करें, और बाकी जिनके पास पैसा नहीं है उनको ही भेजें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।